दोस्तों यूट्यूब में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जो भी आपको समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं उपेंद्र शर्मा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे बैटरी चार्जर के बारे में। ये आप देख रहे हैं ये है आपका बैटरी चार्जर, जो कि इसमें 8 बैटरी लगेगी, इसमें 8 बैटरी लगा सकते हैं आप और ये 10 एम्पियर का है। तो दोस्तों इसमें इसकी वायरिंग क्या होगी, इसकी डायग्राम क्या होगी और ट्रांसफार्मर का डेटा क्या होगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों देख रहे हैं आप इसमें जो है आपका एक ट्रांसफार्मर है और 2 रोटरी लगे हुए हैं और उसके बाद में यहाँ पे 20 रेक्टिफायर बनाया गया है जो कि 3 डायोड से है, यानी कि टोटल आपका 12 डायोड लगा हुआ है इसमें। और इसमें बैक साइड में MCB लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड में जो है MCB लगे हुए हैं। तो इसमें एक आपका MCB मेंस में है और एक आपका बैटरी लाइन में है। अगर बैटरी लाइन से भी शॉर्ट होगी तो मेंस भी इसमें ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। अगर मेन लाइन से भी अगर हाई वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, हाई वोल्टेज आ रहा है तभी भी ट्रिप हो सकता है, क्योंकि एम्पियर जब ज़्यादा लगी हाई वोल्टेज में इसकी वाइंडिंग के हिसाब से तो भी ट्रिप हो जाएगी। और MCB जो है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में काम करता है, हाई वोल्टेज में नहीं काम करता है। फिर भी इसकी जो लोड है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप सेम अगर MCB डाल रहे हैं तो उस हिसाब से अगर वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है एम्पियर बढ़ता है, क्योंकि वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस रहती है वो फिक्स रहती है और वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है उस पर आपका प्रेशराइज होता है वो वाइंडिंग और एम्पियर बढ़ने की वजह से MCB ट्रिप हो जाता है। तो इस हिसाब से इसमें आप एक्यूरेट आप MCB लगा सकते हैं। इसमें आपका MCB जो रहेगा 10 एम्पियर इधर भी रहेगा 10 एम्पियर उधर भी रहेगा। मेन लाइन में 10 एम्पियर लगाएंगे और बैटरी लाइन में भी आपको 10 एम्पियर लगाना पड़ेगा, इस हिसाब से होगा ये। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं डायग्राम की तरफ, इसकी डायग्राम क्या होगी तो और उसकी ट्रांसफार्मर डेटा क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप ये है सर्किट डायग्राम इस बैटरी चार्जर का। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं प्राइमरी साइड में इसमें वाइंडिंग जो है उस वाइंडिंग में डायरेक्टली मेंस इनपुट किया गया है। इसमें एक स्विच है आपका, उसके बाद में एक MCB है और न्यूट्रल जो कि डायरेक्ट है और इसमें कोई रोटरी वगैरह नहीं है मेंस में, ये डायरेक्टली फिक्स किया गया है। और इसकी जो वाइंडिंग है इसमें 18 नंबर से वाइंडिंग करनी है, 287 टर्न रहेंगे यानी कि 287 टर्न्स रहेंगे। और इसकी जो कोर रहेगी वो कोर रहेगा 7 नंबर। इसकी जो साइज रहेगी यानी इसकी जो स्टेक रहेगी वो रहेगा 3 इंच में। 96 वोल्ट का बैटरी चार्जर रहेगा कुल, ये यानी कि 8 बैटरी की रहेगी 10 एम्पियर में। और दोस्तों ये सेकेंडरी की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंडरी की तरफ इसमें 2 रोटरी लगे हुए हैं, एक आपका जो है एम्पियर सिलेक्शन के लिए है और एक है आपके बैटरी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप इसमें जो डायोड लगा हुआ है, इसमें कुल डायोड जो लगे हुए हैं इसमें डायोड है 12 पीस यानी कि 12 पीस है जो कि 6 एम्पियर का लगेंगे। उसमें आपका ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है, इसमें आपका जो है 4 सेक्शन है आपका, इसमें आपका ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। 4 डायोड जैसे ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं उसी तरह बना के इसमें आउटपुट देना है और आउटपुट में आपका एक आपका एम्पियर मीटर रहेगा जो कि 15 एम्पियर का रहेगा। और इसमें एक जो नेगेटिव है, नेगेटिव में आप वहाँ पे एक MCB लगाएंगे 10 एम्पियर का जो कि बैटरी का कनेक्शन कभी उल्टा लगाएंगे तो उस पीरियड में वो ट्रिप हो जाएगी इसके लिए। और इसमें 2 आपका रोटरी रहेगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं इसकी वाइंडिंग की तरफ। तो वाइंडिंग की तरफ दोस्तों देख रहे हैं आप इसमें है आपका जो वायर है 16 नंबर का तार लेना है, यानी कि 16 नंबर का तार लेना है, SWG रहेगा 16 नंबर। और इसकी वाइंडिंग जो है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं 0 टर्न स्टार्टिंग लूप है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो दोस्तों 0 यहाँ से रहेगा, उसके बाद में 2 टर्न लपेटना है दोस्तों, 2 टर्न लपेटना है, उसके बाद फिर 2 टर्न लपेटना है, उसके बाद फिर 2 टर्न लपेटना है, उसके बाद फिर 2 टर्न लपेटना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 8 लूप निकले हैं तो 0 के बाद जो है इसमें 7 लूप निकलेंगे, तो 7 लूप जो निकलेंगे वो 2 टर्न्स करते हुए जाना है आपको,
यानी कि यहाँ पे आपका 2-2 वोल्ट रहेगा, ये रहेगा आपका एम्पियर सिलेक्शन के लिए। बैटरी में जो एम्पियर को आप इसे यहाँ से आप निर्धारित करेंगे, तो दोस्तों ये रहेगा, टू टर्न करते हुए चला जाएगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, आप ये हो गया आप अब बैटरी सिलेक्शन का साइड। तो बैटरी सिलेक्शन साइड में जो कि आप 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे 14 टर्न्स लपेटना है, और उसके बाद 24 वोल्ट के लिए फिर 14 टर्न्स आपको प्लस करते हुए जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 14 टर्न्स प्लस करते गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे 15 टर्न्स होते हैं, लेकिन एक टर्न्स कम लिया गया। क्यों लिया गया कि जब भी आप चार्जर को फिट करके स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 एम्पियर होना चाहिए, स्टार्टिंग में एम्पियर नहीं आना चाहिए, 0 एम्पियर आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में अगर एम्पियर आ गया, मान लीजिए अगर आपका 10 एम्पियर पहले आ गया, 12 एम्पियर पहले आ गया, तो उसको आप कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले कम इसको रखना है, उसके बाद में आपको एम्पियर वाले से बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपको 14 टर्न्स करते हुए जाना है, और लास्ट जो देख रहे हैं एंडिंग तक जो कि आपका 14 टर्न्स प्लस करते हुए आपको लास्ट तक निकल जाना है। यहाँ पे भी आपका 8 लूप रहेगा, और उधर में भी आपका 8 लूप रहेगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।